वैकुंठपुर में भगवान का धाम ही है, ठाकुर जी का धाम है। हाँ, इसका नाम जो अंदर में ठाकुर जी, राधा गोपीनाथ ठाकुर जी अंदर में। इसलिए ये जो स्थान है, कहते हैं माधवी देवी एक है माता जी यहीं पर रहती थी, और उनको जो भाई सिखी माई थी, सिखी माई थी मतलब माई थी इनका टाइटल ही है। कहते ये पहले ये जगन्नाथ जी को तो साक्षात जगन्नाथ रूप में जानते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु भगवान। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है इनको पहले मानते थे कोई साधारण इंसान होगा, कोई इंसान होगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को ये भगवान रूप में मानना नहीं चाह रहे थे। बोले कोई साधारण इंसान होगा, हाँ कोई भक्त होगा, बड़े भक्त होगा। लेकिन एक दिन इन्होंने क्या देखा, महाप्रभु जब कीर्तन करते थे दोनों हाथ उठा करके वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाप्रभु से कीर्तन करते थे, उनका आंखों से आंसुओं की झरी बहती थी और मुंह से लाल निकलती थी। इसके चैतन्य महाप्रभु एक दिन उन्होंने स्वप्न में क्या देखा, ये श्री जगन्नाथ जी ना जैसे महाप्रभु का आंखों से आंसू निकलता था, ऐसे देखते जगन्नाथ जी के आंखों से भी आंसू निकल रहा है, नाक से भी लाल निकल रहा है, और महाप्रभु जैसे कृष्ण प्रेम में महाप्रभु लोट फूट खाते हमारा शरीर में धूल दूषित हो जाता था, जैसे हमारा आंखों से आंसू बहती है कि नहीं, कभी रोते हो जैसे आंखों से आंसू ऐसे बहती है। लेकिन महाप्रभु जो नृत्य कीर्तन करते थे आंखों से आंसू ऐसे नहीं बहते थे, जैसे पिचकारी होता है ना, वो पिचकारी जैसे महाप्रभु के आंखों से आंसू निकलते थे और इतने आंसू निकलता था वो पूरा जो जागा है ना कीचड़ कीचड़ कीच कीच हो जाता है इतना। उन्होंने क्या देखा, जैसे जगन्नाथ जी आंखों से भी ऐसे आंसू निकल रहे हैं, हमका मुंह में भी लाल निकल रहा है, और जैसे उनका जगन्नाथ जी का जैसे महाप्रभु का शरीर एकदम धूल से दूषित है, उनको भी देखा ठीक जगन्नाथ जी को देखा उन्होंने ठीक वैसे। जगन्नाथ जी बोले देखो ये जो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, मैं अचल जगन्नाथ को सचल जगन्नाथ मैं ही ये चैतन्य महाप्रभु जगत में ये प्रेम धर्म प्रचार करने के लिए आया हूँ। इसे उनको साधारण इंसान नहीं समझना, ये कौन है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग में राधा जी की भाव और अंगा से लेकर जगत में ये हरि भक्ति प्रचार करने के लिए आए, इसलिए उनको साधारण इंसान नहीं समझना। खैर उसको बाद में विश्वास हो गया, जो चैतन्य महाप्रभु इस कौन ही साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ जी है, फिर तो महाप्रभु का भक्त है, इसलिए उनका ही जन्मस्थान ही पर उनको माधव देवी का यहीं पर है। महाप्रभु का जो 3.5 विशेष गण है यहाँ पर एक और आधा है, अभी हम यहाँ पर जाएंगे वहाँ पर श्री राय रामन का जन्मस्थान है, और उनके जो तलवार से पहले शासन करते थे ना, आज देखो उनका तलवार अभी भी है, और पहले तो पेन नहीं होता था, पहले क्या होता था ताल पत्ते के ऊपर लिखते थे, अभी भी वो पेन रखा हुआ पेन है, इसको ऊपर में ताल पत्ते के ऊपर लिखते थे, अभी भी उनका करवा है, और उन्होंने से जगन्नाथ वल्लभ जो नाटक रचना की है अभी भी वो ग्रंथ है, उनका हाथ में लिखा हुआ जो ग्रंथ अभी भी वहाँ पर ठीक है, उसको दर्शन करके हम लोग बस ही बैठे चले, ठीक है। बोले जी मिठाई गौर ब्रह्मानंद चलिए गौर हो, देखो जो जो बस का किराया है ना, बस में जाकर